أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه हजमर हजर निगरामी हरमत वाले महीने चल रहे हैं हरमत वाले महीने में जो काम हमें करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए इनके ताल्लुक से बात चल रही है खसूस तौर पर हरमत वाले महीने में सबसे पहले हम लोग हज का इरादा करते हैं तो हज से मुतल जो गलत चीज़ें थी यानी हज के इस्तात से मुतल वो हम कल के दर्स में मालूम किए कि हज के इस्तात के ताल्लुक से और उसके इरादे के ताल्लुक से जो गलत फहमियाँ और गलत चीज़ें रस्म रवाज पाई जाती है वह हमने मालूम की है अभी आपके सामने सौरालमरान से और सुरतलबारा से दो अलग अलग आयतें पढ़ी गई अल्लाह तबरक ताल ने फरमाया सौर इमरान की आयत में वल्हना से हिजुल्बै मनस्त आ सबीला अल्लाह के लिए अल्लाह के खातिर लोगों पर हज करना ज़रूरी है फ़र्ज़ है वाजिब है मनस्त ए सबीला जो अल्लाह के घर तक पहुँचने की इस्तात रखता है ज़्यादा राह जिसके पास हो तो हज खालिश अल्लाह के लिए करना चाहिए दूसरी आयत याद सरतुल्बक की है जिसमें अल्लाह तला ने फरमाया वह आतिमजर हज और उम्र मुकम्मल करो अल्लाह के लिए अल्लाह के खातिर अल्लाह के वास्ते अल्लाह के लिए मुकम्मल करो तो अब आइए आज मालूम करते हैं कि जो लोग हज का इरादा करते हैं तो जाने से पहले उनसे क्या क्या गलतियाँ सरजद होती है कल हमने अमूमी बात मालूम की है कि इरादा करें या ना करें इस्तात से मुतल या इरादा करने से पहले जो गलतियाँ होती है अब जिन लोगों ने हज को जाने का इरादा कर लिया है उनका नाम आ गया है इनसे जो गलतियां सरजद होती है आज आइए हम उसको पहले मालूम करते हैं सबसे पहली चीज हम हज जो करेंगे वो अल्लाह के लिए करना चाहिए इखलास अल्लाहियत होना चाहिए दूसरी बात हलाल कमाई से होना चाहिए हलाल कमाई से होना चाहिए हज तो आदमी कर रहा है पैसा भर रहा है पैसा दे रहा है लेकिन कमाई हराम की है हराम की कमाई है हराम की कमाई से हज करने वाले का हज अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है त्रिमिजी की रिवायत है प्यार नबी वसल्लम ने फरमाया इन अल्लाह तो लाअबल्ला तो अल्लाह पाक है पाकिजा है और अल्लाह तबरक ताला पाक चीजों को ही कबूल फरमाता है जो तो नापाक है हराम है उनको कबूल नहीं करता है सही मुस्लिम की वो मशहूर रिवायत सही मुस्लिम की वो मशहूर रिवायत कि एक आदमी इतुल सफर इतुल सफर, लंबा सफर करके पहुंचता है हाथ उठा के रो रो के गिड़गिड़ा के बारगाह इलाही में दुआ कर रहा है मुसाफिर की दुआ कबूल होती है परागंदा हाल परेशान हाल आदमी की दुआ कबूल होती है हाथ उठाकर है इलाही में रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ करे आवोजारी के साथ दुआ कबूल होती है अखलासियत के साथ दुआ करे दुआ कबूल होती है इस बंदे के पास वो सारे असबाब मौजूद हैं वो सारे असबाब बंदे के पास मौजूद हैं सफर करके गया मुसाफिर है परागंदा हाल है परेशान हाल है हाथ उठा के रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से मांग रहा है हा उसके बावजूद भी उसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है क्यों नबी ने फरमाया मत अम हो हराम मलबस हो हराम गिल हराम उसका खाना पीना हराम का है पहनना ओढ़ना बिछोना हराम का है उसकी गजा हराम की है कमाई हराम की है कहां से उसकी दुआ कबूल होगी फाना इस तजा उसकी दुआ कहां से कबूल होगी तो जाहिर सी बात है अगर हराम हो आपके पास बहुत सारे असबाब है दुआ के कबूल होने के मगर हराम है तो जाहिर सी बात है हराम से किया हुआ अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है तो पहली बात हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम हज को जा रहे हैं तो हमारी कमाई हलाल की हो हलाल कमाई से जाए किसी का हक हाँ दबोच के किसी का हक हाँ मार के किसी का हक हाँ छीन के लेके आप जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका हमारा हज काबिल कबूल नहीं होगा ये पहली गलती दूसरी चीज हज को जाने वाले हाजी लोग जब कन्फर्म हो गया है अब निकलना है अब क्या करते हैं दावतें शुरू होती हैं दावतें शुरू होती हैं घर में दावत रिश्तेदारों अकारीब के घर में दावत दावत पे दावतें हो रही हैं और सबको बोल रहा है बोल रहा है कि मैं हज को जा रहा हूं को जा रहा हूं मुझे माफ करो ये करो वो करो हां सबको जमा करके इसमें रियाकारी आ जा रही है रियाकारी दिखावा एक तो यह रस्म रवाज है साहब राम हज को गए आप हज को गए कोई दावतें खा के दावतें करके नहीं गए किसी को बोल के बहुत सारों को बोल के ढिडोरा पीट के नहीं गए हाँ जिनको बोलना है जरूरी है उनको बोल के जाए ऐसा नहीं कि किसी को नहीं बोलना है और उसके लिए दलील है हजरत उमर तु उमरे का इरादा फरमा लिए आके अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल में उमरे को जा रहा हूं क्योंकि आप अमीर वक्त हाकिम वक्त हैं आपसे परमिशन लेना है और आपको इन्फॉर्म करके जाना है ज़रूरी है तो जिनको इन्फॉर्म कर रहा है उनको करें हर एक को बोलते जाएं ये एक गलती याद रखी ये गलती अब आइए इसमें क्या गलतियां और इसके बुनियाद पर क्या क्या गलतियां होती है सबसे पहली बात नेक आमाल कबूल होने की शर्तें क्या क्या हैं वो हमें मालूम होना है नेक आमाल कबूल होने की शर्तें हैं पहली चीज आदमी का ईमान अकीदा सही हो दूसरी चीज इंशाल्लाह मैं तफसील इससे पहले इसके बाद बताऊंगा दूसरी चीज हमारा और आपका किया हुआ अमल हज नमाज रोजा जकत सदका खैरात जो भी नेकी करते हैं तिलावत दरुद दुआ ये नबी के तरीके पर होना चाहिए अगर नबी के तरीके पर हमने नहीं किया तो हमारे ये नेकमाल अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है तफसील इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। तीसरी और अहम शर्त यह है कि दिलों में अखलासियत हो किसी भी नेकी से पहले दिलों में अखलासियत होना चाहिए रियाकारी उसकी जिद है रियाकारी अगर हज से पहले हमारे अंदर रियाकारी आ जाए रियाकारी आ जाए तो याद रखो हमारे हज काबिल कबूल नहीं है और कल मैंने जिसे कहा है कि शैतान नेकी से पहले हमें गुमराह करने की कोशिश करता है अगर नहीं हुआ नेकी से पहले नहीं कर सका तो नेकी के साथ करने की कोशिश करता है नमाज पढ़ना शुरू की उस वक्त अखलास ला है दिखावा नहीं है शुरू करने के बाद कोई देख रहा है कोई यह हो रहा तो हम दिल में अब कुछ आ गया है चलो लंबी गया कभी क्या होता है नेकी से पहले भी गुमराह नहीं कर सका नेकी के साथ भी नहीं कर सका नेकी के बाद करता है नेकी कर लिए हज से पहले नहीं था हज करते हुए भी नहीं था हज करके आने के बाद नाम के साथ हाजी ना लिखे तो गुस्से में आ जाएंगे हाँ अब हज से आने के बाद से दावतें चल रही हैं और फिर जो हाजी लिखना फुला करना ज्यादा हज कर ली तो अल्लाहा लिखना है इस्लाम के पांच अरकान है ना क्या क्या है शहादत आई नमाज रोजा हज जकत हज कर लिए तो हाजी तो नमाज पढ़ लिए तो नमाजी भी लिखो साथ में है ना नमाजी है रोजा रख लिए तो रोजेदार भी लिखो हाँ ये हाजी है तो ये नमाजी है ये रोजेदार भी हैं फिर उसके बाद शहादत है, निक कलीमा पढ़े हैं तो वो भी लिखो शहादती भी हैं हाँ क्यों भाई ये तो नहीं लिखते हो जकत दे तो जकती भी लिखो हाँ मैं जो है जकती साहेब फुला जनाब जकती साहेब हाँ हाजी साहेब बोले तो खुश होते क्यों भाई ये भी तो अरकान है इस्लाम के याद रखिए मेरे भाइयों ये गलत बात है क्योंकि हज पैसा खर्च करके वहां जाके आए हैं ना तो वहां पर एक अपने एक अलग तरह के दिखा हुआ है रियाकारी है तो देखो शैतान क्या कर रहा है नेकी के बाद फिर गुमराह कर रहा है और यह बहुत खतरनाक है नेकी करने के बाद नेकी की हिफाजत बहुत अहम चीज होती है नेकी कर लेना बड़ी बात नहीं है नेकी अल्लाह के पास काबिले कबूल हो जाए यह सबसे बड़ी बात होती है यह सबसे बड़ी बात होती है तो अब अगर हम हमारे पास इखलासियत नहीं है हज का इरादा कर चुके हैं और हाजी जो है दिल में रियाकारी रखता है और एक को बोल रहा है सुना रहा है और दावतें हो रही है जोड़े घोड़े और उसके साथ साथ शॉपिंग पे शॉपिंग शॉपिंग पे शॉपिंग इतने सारे शॉपिंग की क्या जरूरत है याद रखिए जितनी जरूरी चीजें उतना कर ले तो आज के दर्शन में हमने खुलासे के तौर पर मालूम करते हैं कि ये मालूम किए कि जो लोग हज का हाजी इरादा कर लेते हैं उनसे जो गलतियां होती है वो आज हमने मालूम किए कि शुरुआत में सफर को निकलने से पहले जो गलतियां होती है मालूम किए फिर इन शाह आगे बात ये सिलसिला जारी रहेगा अल्लाह तबरक हमें और आपको नेकी के पहले भी नेकी के साथ भी नेकी के बाद भी नेकियों की हिफाजत करने और नेकी अल्लाह के पास काबिल कबूल हो जाए गलतियों से बचा ले इसके अल्लाह तला में तोफ़ी क़ा फरमाए आमी सुबह शुरुकत महम्मद